नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खोया हुआ उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। और यहाँ पर दोस्तों हम उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाकर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है हमने उसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। जैसे कि दोस्तों अभी हमें यहाँ पर हमारा खोया हुआ उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं प्रिंट और वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद देखिए सबसे नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, देखिए फॉरगेट उद्यम और यूएम नंबर, उस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम फॉरगेट उद्यम और यूएम नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर चूज रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि दोस्तों अभी उद्योग आधार तो बंद हो चुका है, लोग उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन ही अभी लेटेस्ट में चल रहा है, तो हमें वहीं डाउनलोड करना है, तो हम वहीं ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट नहीं किया था तो आप यहाँ पर उद्योग आधार मेमोरेंडम का ही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको उद्योग आधार मेमोरेंडम मिल जाएगा तो आप उसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट कर लीजिए, उसके बाद आप उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड। दोस्तों उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट कैसे करना है उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपको जानकारी के लिए वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर अपने उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, और नीचे देखिए चूज ओटीपी ऑप्शन फील्ड इन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल्स दिए थे जैसा कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उसमें से कोई एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जो भी हमें हमारे पास अभी अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने मोबाइल नंबर जो दिया था वो हमारे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, तो हम मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वही मोबाइल नंबर हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे ही हम सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर पर ओटीपी आ जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि 10 मिनट तक हमारा जो ओटीपी है वो वैलिड रहेगा, तो चलते हैं हम आराम से यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेते हैं। और दोस्तों फिल करने के बाद नीचे देखिए वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर से लिंक्ड जितने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर हैं वो सब यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर भी हीरावती इंटरप्राइजेस और सेकंड नंबर पर भी हीरावती इंटरप्राइजेस, मतलब कि दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर से जो दो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाए गए थे वो दोनों यहाँ पर देखिए उसके नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर पर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, और जो सेकंड नंबर पर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसे हमें डाउनलोड करना है। तो चलते हैं दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसे हम कॉपी कर लेते हैं, आप चाहे तो इसका फ़ोटो भी निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी तक हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था और अभी हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो चलते हैं दोस्तों उसका हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिंट और वेरीफाई का जो ऑप्शन है उस पर देखिए नीचे सेकंड नंबर पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो हम वहाँ पर जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए थे उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आपने जो भी फ़ोटो वगैरह लिया है उसमें से आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई एक ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है।
अभी वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं और वैलिडेट ओटीपी एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम वैलिडेट ओटीपी एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्टली इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसका जो है हम एज अ बिजनेस प्रूफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी।